वेलकम बैक फ्रेंड्स फ्रेंड्स वी आर लर्निंग वीडियो एडिटिंग यूजिंग कमटाजिया स्टूडियो एट तो फ्रेंड्स आज हम कमटाजिया स्टूडियो एट का लेआउट के बारे में बात करने वाले हैं तो फ्रेंड्स लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे दोबारा गुजारिश है कि वीडियोस को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके इसके अलावा अगर आप फ्री का कोर्स लेना चाहते हैं जो कि इसके बाद अपलोड किया जाएगा अगर आप एडवांस में लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके हमारा कंटेक्ट देख सकते हैं और वहाँ से हमसे रब्ता करके आप एडवांस में फ्री का कोर्स ले सकते हैं तो फ्रेंड्स चलिए आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स कंप्टरिया स्टूडियो के एडिटर को हम मेन तीन पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं तो फर्स्ट वन जो आपके सामने है ये लेफ़्ट साइड पे इसको हम क्लिप बिन कहते हैं जिसके अंदर हम तमाम एलिमेंट्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स जो हमारे होते हैं इमेजेस हो गई ऑडियोज़ हो गई साउंड्स हो गए वीडियोज़ हो गई तो सारी चीज़ें इस एरिया में हम हैंडल करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है टाइम लाइन इस टाइम लाइन की मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे ला के हैंडल करते हैं और उसके बाद हम उनमें एडिटिंग करते हैं उनका टाइम कम ज़्यादा कर सकते हैं उसमें से कोई चीज़ जो ऑब्जेक्ट है उसका कुछ पोर्शन हम कट कर सकते हैं कॉपी कर सकते हैं उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं उस पर कोई इफेक्ट्स लगा सकते हैं ट्रांजिशंस लगा सकते हैं उसका कलर चेंज कर सकते हैं तो इस तरह की चीज़ें करने के लिए हम इस टाइम लाइन को यूज़ करते हैं तो इस टाइम लाइन के लेफ़्ट साइड पे ट्रैक्स होते हैं जो कि आपको इस तरह ये लंबी लाइंस नज़र आ रही हैं तो ये एक रो की तरह ट्रैक्स होते हैं जिनके ऊपर हमारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और फिर हम उनको हैंडल करते हैं तो लास्ट और थर्ड पोर्शन जो कमटेजिया स्टूडियो का फ्रेंड्स हमारे पास मौजूद है वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा इसको आप प्रोजेक्ट विंडो भी कह सकते हैं और इसको आप डिस्प्ले एरिया भी कह सकते हैं यानी कि हम जो भी वर्किंग कर रहे होते हैं इस टाइम लाइन में उसका जो डिस्प्ले होता है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा होता है तो हम ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्ट यहाँ पे भी देख सकते हैं और उनको हैंडल कर सकते हैं और टाइम लाइन से भी कर सकते हैं जैसा कि देखें हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ इस प्रोजेक्ट एरिया में या डिस्प्ले एरिया में यहाँ से छोटा या बड़ा आसानी के साथ इसको कर सकते हैं इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं तो ये फ्रेंड्स हमारा प्रोजेक्ट विंडो है जिसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं या उनको मूव करके किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हैं तो इस प्रोजेक्ट विंडो में हमारे पास यहाँ पे कुछ कंट्रोल बॉक्स हैं यानी कंट्रोल बटन्स हैं जो कि इस वीडियो को कंट्रोल करते हैं यानी कि एक प्रीवियस ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए या कुछ स्टेप्स जो है फॉरवर्ड जाने के लिए प्ले करने के लिए या या पॉज करने के लिए इसी तरह आ, कुछ स्टेप्स फॉरवर्ड जाने के लिए या नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे जंप करने के लिए तो फ्रेंड्स साथ साथ ही हमारे पास यहाँ पे एक टाइम का पोर्शन अवेलेबल है जिसमें नैनो सेकंड सेकंड्स मिनट्स और आर्स की सूरत में हमें यहाँ पे टाइम नज़र आता है जिसकी मदद से हम अपने प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट्स की टाइमिंग को सेट करते हैं अपने वीडियोस की टाइमिंग को सेट करते हैं ऑडियोज़ की टाइमिंग को सेट करते हैं अपने पिक्चर्स जो हैं उनकी टाइमिंग को सेट करते हैं कि उनका ड्यूरेशन कितना होगा उसमें टोटल लेंथ कितनी होगी हमारी वीडियो की ये सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ से इस टाइमिंग वाले पोर्शन से हैंडल करते हैं तो इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ क्लिप बिन के एरिया में कुछ मज़ीद एलिमेंट्स हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इनशाला देखेंगे और साथ ही हमारे पास यहाँ पे टाइम लाइन के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं यानी फंक्शंस दिए हुए हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियोस में तफ़ील के साथ डिसकस करेंगे और इनको अप्लाई करके हम इनको सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हमने इनको प्रैक्टिकल अप्लाई करना है और इनसे किस तरह हमने काम लेना है तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दें और आपसे फिर से गुजारिश है कि वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के कीमती ट्यूटोरियल्स मिलते रहें और आप भरपूर फ़ायदा उठाते रहें थैंक्स फ़ार वॉचिंग